जब भी गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा ही एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के चरित्रों में से एक है। एकलव्य श्रृंगवेरपुर राज्य के राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे और उनकी माता का नाम सुलेखा था। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिद्युम्न रखा गया था। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लय, लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष बाण को सीखने की उसकी लगन को देखा तो उन्होंने उनके पिता निषादराज हिरण्यधनु से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के काबिल है, इसे सही दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास भेजते हैं। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एकलव्य को अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूँ, तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। द्रोण की ओर से इनकार करने के बाद एकलव्य छिपकर द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखता था। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोण की हर बात, हर सीख को सुनता था और अपने खाली समय में द्रोण की सीख के अनुसार जंगल में रहते हुए ही एकांत में तीर चलाना सीखता था। एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कौरववंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का एक मौका मिल गया, लेकिन अफसोस, उसके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश एकलव्य वहां से एक आदिवासी बस्ती में चला गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वह यहां रहकर धनुष विद्या का अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नता पूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों के बीच रहने के कारण एकलव्य को भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहां गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरुभक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए निकले। उनके साथ में एक कुत्ता भी था। वो सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे। तभी उनका वह कुत्ता वन में घूमता हुआ निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। एकलव्य के शरीर का रंग काला था और उसने काला मृगचर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। निषाद पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। यह देख एकलव्य ने उस कुत्ते के मुख में एक ही साथ सात बाण मारे। उसका मुंह बाणों से भर गया, उसे चोट भी नहीं लगी और उसका भौंकना भी बंद हो गया। वह कुत्ता उसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर सभी बड़े विस्मय में पड़े। वह हाथ की फुर्ती और शब्द के अनुसार लक्ष्य भेदने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर लज्जित हो गए और सब प्रकार से बाण मारने वाले की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात पांडवों ने उस वनवासी वीर की वन में खोज करते हुए उसे निरंतर बाण चलाते हुए देखा। पांडव उसे पहचान न सके और पूछने लगे, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? एकलव्य ने कहा, वीरो आप लोग मुझे निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य जाने। मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम किया है। वो सभी निषाद राज के पुत्र का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी वह सब उन्होंने द्रोणाचार्य से कह सुनाई। अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोणाचार्य से मिलकर प्रेम पूर्वक बोले, आचार्य आपने मुझे प्रसन्नता के साथ यह वचन दिया था कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा, फिर आपका यह अन्य शिष्य निषाद राज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोक से भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे, फिर कुछ निश्चय करके अर्जुन को साथ ले उसके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एकलव्य को देखा जो हाथ में धनुष ले निरंतर बाणों की वर्षा कर रहा था। एकलव्य ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। फिर उस निषाद कुमार ने अपने को शिष्य रूप से उनके चरणों में समर्पित करके गुरु द्रोण की विधिपूर्वक पूजा की।
और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से यह बात कही, वीर यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। ये सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार बोला, भगवान मैं आपको क्या दूं, स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दें। तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा, तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य का यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले की ही भांति प्रसन्न मुख और उदारचित्त रहकर बिना कुछ सोच विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इशारे से उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह निषाद कुमार अपनी अंगुलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। उस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था। इस प्रकार एकलव्य गुरुमूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग, एकाग्रता और समर्पण का परिचय दिया। बाद में एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते अत्याचारी जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है।